बराबर यहाँ पर 119 दिन हो गए हैं और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस कमेटी का गठन किया था एलजी साहब ने के ट्रांसफर पॉलिसी को बनाने के लिए, तो आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 4 महीने के बाद भी वो रिपोर्ट जो है ट्रांसफर पॉलिसी की जो रिपोर्ट है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आई हुई है। और इसीलिए आपके माध्यम से आप हम फिर एलजी साहब को ये निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द वो रिपोर्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए और साथ में लागू होनी चाहिए। इसके अलावा सर वहां से जो है बहुत सारे अल्टीमेटम, बहुत सारे रिजम्पशन फॉर ड्यूटीज ऑर्डर निकाल दिए जाते हैं और आपने देखा परसों को देखा क्या हाल है वहां पर, हालात क्या वहां पर है। ऐसे हालात में जो है ये लोग, ये मुलाजमीन जो है वहां पर जो है सरू नहीं कर सकते और सरायु भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए एलजी साहब को, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को हम ये बार बार ये निवेदन करते हैं कि जिस कलम से आप ये इरेलेवेंट ऑर्डर्स निकाल रहे हो, रिजम्पशन फॉर ड्यूटीज अल्टीमेटम, लेकिन आपकी कलम जो है मैं पूछना चाहता हूँ क्या इन मुलाजम को, इन मुलाजम की जिंदगी जो है वो वापस करा सकती है? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ। इसीलिए आपके माध्यम से कि जो हमारे साथ वादा किया एलजी साहब ने, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने, ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी ने, के मेहरबानी करके वक्त आ गया है कि उस वादे को निभाइएगा, ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो बनाइएगा और उसको लागू कीजिएगा। वो आज भी करनी है और कल भी करनी है। और आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ सर, जैसे आपने देखा कि परसों जो है पूरे जम्मू डिवीजन में महाराजा हरि सिंह का जो है जन्म दिवस मनाया गया, जश्न मनाया गया, लेकिन उन्होंने ये बात भी कही थी कि माय रिलीजन इज द जस्टिस फॉर ऑल। लेकिन ये बड़े बड़े लोग जो जो ये वादे करते हैं, दावे करते हैं, जश्न मनाते हैं, क्या हम इनसे पूछ सकते हैं कि जस्टिस फॉर ऑल उन्होंने कहा था, लेकिन ये मुलाजिम 4 महीने से बैठे हुए हैं, इनको एक छोटी सी ट्रांसफर पॉलिसी बनानी है, छोटी सी ट्रांसफर पॉलिसी लागू करनी है, क्या ये इंसाफ नहीं है? इनको इंसाफ चाहिए, इंसाफ दिलाइएगा। थैंक यू।